आखिर क्या है चीन की मंशा? ड्रैगन क्यों कर रहा जापान को परेशान? ताइवान को लगातार लाइव फायर ड्रिल की धमकी। क्या है चीन को लेकर तीन ताकतवर देशों की रणनीति? करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रूस यूक्रेन की तरह दुनिया में दो और देश जंग के मुहाने पर क्या वाकई में खड़े हो गए हैं? और इस बार जंग का अखाड़ा एशिया का हिंद प्रशांत क्षेत्र बनता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई में चीन अपनी चालबाजी से युद्ध का आगाज करने वाला है? जी हां, बीते कुछ दिनों से चीन और ताइवान के बीच में तनातनी बरकरार है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है, उसके निशाने पर 6 अहम बंदरगाह भी हैं। ताइवान को लगातार लाइव फायरिंग ड्रिल के नाम पर चीन धमकाने की कोशिश कर रहा है, आंखें दिखा रहा है। ड्रैगन एक तरफ आंखें दिखा रहा है, अमेरिका सिर्फ देख रहा है। अब इसी बीच दुनिया के तीन ताकतवर मुल्कों ने एकजुट होकर चीन को चेताने की कोशिश की है, और ये तीन देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और खुद को सबसे ताकतवर मुल्क बताने वाला अमेरिका। जी हाँ, इन तीनों मुल्कों ने एक साथ बातचीत करके काफी तल्ख लहजे में चीन को अपने सैन्य अभ्यास को तुरंत बंद करने के लिए कहा है, मगर चीन मानेगा लगता तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इस अहम मीटिंग के दौरान ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। जापान ने कहा है कि चीन की ओर से लॉन्च की जा रही मिसाइलें जापान के क्षेत्र में गिरी हैं। वहीं तीन देशों ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC की हालिया कार्रवाई पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है और कहा है कि इस तरह की हरकत अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का काम करेगी, यानी कि चोट पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही चीन की लाइव फायरिंग ड्रिल की भी तीन देशों ने निंदा की है और कहा है कि चीन की इस हरकत से तनाव काफी बढ़ सकता है। आपको बता दें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री और सेक्रेटरी के बीच रणनीतिक चर्चा हुई और इस बातचीत के दौरान तीनों मुल्कों ने अपनी अपनी बात को रखा और कहा कि लॉ ऑफ रूल, ह्यूमन राइट, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की विवादों को शांतिपूर्ण समाधान तरीके से ही निकालना होगा। यानी चीन को एक सलाह दी कि विवाद उत्पन्न ना करे। साथ ही तीनों देशों के सेक्रेटरी और विदेश मंत्रियों ने फिर दोहराया कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। बैठक के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन से सैन्य अभ्यास को तुरंत बंद करने की बात भी कही। इसके साथ ही ताइवान में तनाव को कम करने को लेकर चीन से कहा गया, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो क्या वाकई में चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब यह तो किसी से छुपा नहीं है कि US स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन कुछ इस कदर बौखलाया है, इस कदर भड़का हुआ है कि उसकी बौखलाहट अभी तक शांत नहीं हो रही है। अब आलम कुछ यूं है कि युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को दबाने के लिए चारों तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चीन ने 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें 5 जापान के इलाकों में जा गिरी। इतना ही नहीं, चीन ने पानी के अंदर भी मिसाइल दागी, जो कि जापान सीमा से लगभग 100 मील की दूरी पर दागी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर चीन ताइवान के साथ जापान को क्यों छेड़ रहा है? दरअसल ये कोई गलती नहीं, बल्कि ड्रैगन का जानबूझकर उठाया गया कदम है, क्योंकि जिस वक्त चीन गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पोलसी जापान में ही थी, जहां वो ताइवान की बात कर रही थी और ड्रैगन को कटघरे में खड़ा कर रही थी, और आसमान में चीन अपने लड़ाकू विमानों के जरिए हरकतों से डराने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो नैंसी का विमान उड़ने नहीं देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी स्पीकर नैंसी पर प्रतिबंध
यानी कि बैन लगाने की घोषणा कर दी। दरअसल चीन ने ये घोषणा इस हफ्ते नैन्सी की ताइवान यात्रा के बाद की है। चीन को नैन्सी की ताइवान यात्रा इतनी नागवार गुजरी कि पूरे दुनिया में तनाव पैदा कर दिया और चीन ताइवान के करीब आकर अपने ताकत का प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैन्सी पेलोसी गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर रही है और चीन की संप्रभुता और सीमाई समग्रता को कम कर रही थी, जिसके चलते चीन ने नैन्सी पेलोसी को प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। पिछले कुछ साल में चीन ने कई अमेरिकी अधिकारियों पर अपने कथित हित के खिलाफ काम करने, चिनजियांग और हांगकांग के मानवाधिकारों पर बोलने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इस साल मार्च में चीन ने कहा था कि वो अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है, जो कथित तौर से चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे पर झूठ बोल रहे थे। हालांकि चीन ने इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया। जी हाँ, इस लिस्ट को कोई सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको बता दें कि चीन पूर्वी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो पर प्रतिबंध लगा चुका है। इन बड़े चेहरों पर चीन ने प्रवेश करने और चीनी संस्थानों के साथ व्यापार करने को लेकर बैन कर दिया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसका कहना है कि ताइवान को एक ना एक दिन चीन अपनी सरहद में पूरी तरह से मिला लेगा। अब चाहे ऐसा बलपूर्वक ही क्यों ना करना पड़े, तो क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है? क्या वाकई में चीन चालबाजी फिर दिखाएगा? क्या वाकई में ट्राइगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? और क्या वाकई में दुनिया एक बार फिर से युद्ध की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाएगी? इन सब सवालों का जवाब समय के गर्भ में छिपा है। इंतजार कीजिए, वक्त इन सभी सवालों का जवाब दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।